ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में कांग्रेस के विधायक धनीराम शांडिल द्वारा कुछ विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाना था, जिसमें से राजकीय माध्यमिक पाठशाला कतेर का खेल मैदान भी शामिल था। शिलान्यास दोपहर को किया जाना था, लेकिन कुछ लोग सुबह ही स्कूल में पहुंचे और शिलान्यास पट्टिका को तोड़ डाला और उसे वहां से उठाकर ले गए। स्कूल में वही ढांचा रह गया जिसमें ये पट्टिका लगाई जानी थी। इस घटना को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। सोलन में कांग्रेस के विधायक धनीराम चांडल द्वारा कुछ विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाना था, जिसमें से राजकीय माध्यमिक पाठशाला कतेर के खेल मैदान भी शामिल था। शिलान्यास दोपहर को किया जाना था, लेकिन कुछ लोग सुबह ही स्कूल में पहुंचे और शिलान्यास पट्टिका को तोड़ डाला और उसे वहां से उठाकर ले गए। स्कूल में वही ढांचा रह गया जिसमें ये पट्टिका लगाई जानी थी। इस घटना को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। इस घटना की जानकारी जैसे ही विधायक धनीराम चांडिल को लगी, वे आग बबूला नजर आए। उन्होंने इस घटना की शिकायत तुरंत पुलिस के उच्च अधिकारियों को की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन आरम्भ कर दी है। जब इसके बारे में विधायक धनीराम चांडिल से पूछा गया तो उन्होंने रोष जताते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र से ये पट्टिका 8वीं बार तोड़ी गई है। इससे पहले भी विभिन्न क्षेत्रों में पट्टिकाएं तोड़ी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि अभी तक पुलिस उन शरारती तत्वों तक नहीं पहुंच पाई है जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे और जो इस तरह से मनमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि आज उनके द्वारा स्कूल खेल मैदान का शिलान्यास करना था, लेकिन उनके उद्घाटन से पहले ही कुछ शरारती तत्वों ने पट्टिका ही तोड़ दी, जो बेहद गलत बात है। उन्होंने कहा कि इस बात की शिकायत उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों को कर दी है और वे चाहते हैं कि जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। मंत्रालय इनकी तरफ से एक पूछा गया था हर एमएलए को कि किसी भी जवाब चाहते हो वहाँ पे आप 10 लाख का अनुदान राशि दे सकते हैं और उसमें आप लोग नाम दीजिए। तो मुझे जैसे दोहरा और खा यहाँ की डिमांड भी थी, तो यही जगह जहाँ पे हमने आज जाना था और जहाँ आपने देखा कि जब तक हम आए तो उससे पहले ही वो जो इन्होंने उद्घाटन पट्टिका बनाई थी तो वो उन्होंने गिरा दी। जो मैं समझता हूँ, मैं बड़ा खेद होता है मुझे। अब ना जाने के किन कारणों से जो थोड़ा होता मुझे पता लगा वो ये था कि भाई ये तो गवर्नमेंट के लोगों ने ही करना है। जो हम सच में तो हम गवर्नमेंट के ही लोग हैं, सिर्फ हम विपक्ष में बैठे हैं। और मैंने फिर पेशे का छुट्टी है परंतु मैंने एक सीनियर सेक्रेटरी थे और जो इसे डील करते हैं उनसे पूरे गाइडलाइन पढ़ने को कहा। तो इसमें विधायक ही यहाँ का जो जैसे आपको शिलान्यास कर सकता है और ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं कि जिसमें आप खेल मंत्री या किसी और सरकार के दूसरे मंत्री को लाओ। ये एक बहुत ही छोटे चिंतन की बात थी, इसलिए मुझे स्वयं डीजीपी साहब को इसको बताना पड़ा। बिकॉज ये कोई पहला मौका नहीं है, ये कोई 7वीं 8वीं बार मैं ला रहा हूँ। मैंने इनफैक्ट ये चीज़ पटल पे भी उठाई थी विधानसभा के और मैं इस बार इस पर फुल डिस्कशन मांगना चाहूँगा। मैंने तो सब पुलिस तक को पूरी शिकायतें दी हैं और फुल्ली ब्रीफ किया हुआ। आज की भी जो है मैंने यहाँ के प्रधान जी को कहा, उन्होंने लिख के दे दी है। परंतु मैं सच आपको बताऊँ, उनको शरारती तत्वों को ढूंढने में दिक्कत हो रही है कि शरारती तत्व हैं कौन। तो मेरा मानना है कि इसमें जिसने भी ये कार्रवाई की है इसमें कोई शरारती तत्व तो अपने नहीं होते, किसी न किसी प्रकार के निर्देश जरूर होते हैं। जो कि वही मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ऐसा काम किया है वो निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ऐसी चीज़ें विकास के कार्यों में नहीं होनी चाहिए।